गुरु, बहुत दिनों से मछली नहीं पकड़ी है। कांटे ने तो रोना धोना शुरू कर दिया है गुरु। ठीक है, पहले इस बाटलू को संभाल लेता हूँ, नहीं तो मछली पकड़ना बंद करवा देगा। जा, दो टब का जुगाड़ कर ले। सामान जोर से पटकना उस टीन के डिब्बे के ऊपर, उसके बाद देखना बाटलू का मजा। एक, दो, तीन। ये क्या हुआ? ये कैसी अद्भुत आवाज है? कौन है रे? देखो तो। पानी का टब यहां किसने रखा? जरूर दोनों बिच्छू का काम है। रुक, मजा चखाता हूं। अब जाकर हम कामयाब हुए। कितने टाइम बाद बदला ले पाए हैं हम। पहले इसने हमको पानी में डुबोया था और आज हमने। अब चलो भागे। कांटा ले लो दोनों। लेकिन गुरु, बैटल तो हम दोनों को ढूंढने तालाब के किनारे आएगा, तब फिर? हाँ, तब क्या करेंगे बता तो। ठीक कहा, कुछ और तो सोचना ही पड़ेगा। आइडिया, बैटल भैया के यहाँ से आज चिकन की खुशबू आ रही थी। ओह, फिर तो मजा आ जाएगा गुरु। चलो चलो चलो, दूसरे रास्ते से जाते हैं। चलो चलो, बाटुल भैया के घर में इस रस्सी के सहारे खिड़की से घुस जाते हैं। चल चल चल। बेटा गाने में मशगूल है। देखिए कांटा फेंक कर कैसे चिकन रोस्ट खींचता। सॉलिड खाना है क्या रे? बड़े मजे मजे से खा रहा है। चक्रवर्ती जी, आपने किसी लौंडे को इधर उधर से जाते देखा है? कैसे नहीं पहचान पाऊंगा, आप हैं हमारे मोहल्ले के गर्व। बाटुल भैया कैसे हैं आप? इस बहरे से बात करते हुए लौंडों को ढूंढने में मुझे देरी हो जाएगी। ठीक हो, भागता हूँ। भाई, बच्चू बिच्छू को आप लोगों ने देखा है? हाँ, देखा था। तालाब के किनारे उन दोनों को जाते देखा था मैंने। रुक जाओ, एक दिन तुम्हारा तो एक दिन मेरा। लौंडो को तालाब के किनारे नहीं देखा तो ये लोग गए कहाँ? घर जाके देखता हूँ। क्या जी बाटुल भैया, इतनी धूप में कहाँ चल दिए? और कहा, सुबह सुबह इन दोनों लड़कों ने मुझे खूब परेशान किया है, उनको जरा सबक सिखाना पड़ेगा, इसलिए उनको ही ढूंढ रहा हूँ। अरे वाह, आप उनको ढूंढ रहे हैं? वो
तो आपके घर में बैठे हैं। है? है? मैं तो साफ साफ सुन पा रहा हूँ, वो तो खुश होकर मीट दबा कर खा रहे हैं। है? मीट? है? मेरी हड्डी पुसली चबा के खा गए? खाना बनाने वाले ठाकुर को उल्लू बनाकर मेरी ही लाई हुई मीट खा रहे? जाता हूँ। एकदम ठीक, नाला एक काटा फेंक करके चिकन उठा रहे, सबक सिखाता हूँ। अरे खाओ ना, बाटलू का खाना है, लजीज। भाग्यवश लंब करण उसके साथ नहीं है, वरना तो वो तो बता ही देता कि हम दोनों कहाँ है। उसके हाथी जैसे कान यहाँ और किसी के भी नहीं है, लेकिन वहाँ तो बोलना पड़ेगा, क्या कहते हो? मैं भी मछली पकड़ूंगा, पर कांटे से नहीं बल्कि पकड़ से, ताकि एक साथ दो सर मिले। आओ बेटा, तुम्हें पानी में डुबाया था, इस बार अलग तरह से डुबाऊंगा, और उससे भी सीख नहीं मिली तो अभी नहीं बताऊंगा। Ha 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 ha